बेरहमी से 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला कुख्यात आरोपी विकास दुबे 10 जुलाई को हुए एनकाउंटर में भले ही मारा गया हो, लेकिन आज भी विकास का नाम सुनते ही लोगों का खून खौल रहा है। जब सोचते हैं उन शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार के बारे में, उस परिवार के दर्द के बारे में आंखें नम भी होती हैं और विकास दुबे जैसे आरोपियों के प्रति खून भी खौलता है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको 12वीं क्लास में पढ़ रही, डॉक्टर बनने का सपना देख रही उस वैष्णवी के बारे में बताएंगे जो 3 जुलाई से सो नहीं पा रही है। वैष्णवी के पिता शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की विकास दुबे और उसके साथियों ने जिस बेरहमी से हत्या की, आज भी वैष्णवी उसे याद करके सिहर उठ रही है। एक ओर जब विकास दुबे के एनकाउंटर की परिस्थितियों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, विकास दुबे का एनकाउंटर सवालों के घेरे में है, वहीं शहीद सीओ की बेटी कह रही है कि मुझे यूपी पुलिस पर गर्व है। वैष्णवी कहती है, जिसने उसके पिता और 7 बाकी पुलिस कर्मियों की हत्या की, वो भी ऐसी ही मौत के लायक था, इसलिए जो हुआ वो सही हुआ। पिता की 13वीं पर 20 साल की वैष्णवी कहती है, विकास दुबे एक ऐसा अपराधी था जिसने मेरे पिता को इतनी बेरहमी से मारा। पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन घर में सबसे बड़े होने की वजह से अब मेरी प्राथमिकता बदल गई है। मैं एक ऑफिसर के रूप में उनके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं भी पुलिस सर्विस में जाऊंगी, अपराधियों को सबक सिखाऊंगी। विकास दुबे के गुंडों ने डीएसपी के कुल्हाड़ी से पैर काटने से पहले उसके सिर और सीने पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। वैष्णवी कहती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अपराधियों की साठगांठ को खत्म करना होगा। मेरे पिता हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहे। उन्होंने हमेशा सिखाया कि कभी झूठ ना बोलो, किसी को सच से समझौता नहीं करना चाहिए। 20 साल की वैष्णवी कहती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे पिता की तरह हैं, उन्होंने हर संभव मदद की। पिता की मौत से वैष्णवी पूरी तरह टूट गई है, उसके दुख की सीमा नहीं है। जब उसे पता चला कि उसके पिता का एनकाउंटर विकास दुबे और उसके साथियों ने कर दिया है, वैष्णवी कहती है, बहुत बुरा हुआ। आज भी रात को चैन सुकून से वैष्णवी सो नहीं पाती, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों को ज़रूर कहती है कि जिसने मेरे पिता के साथ इतना कुछ किया, वो ऐसी ही मौत डिजर्व करता था। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।